दिवाली में घर घर में फराल बनाया जाता है। अब चिवड़ा और फराल बनाने की शुरुआत हो जाएगी। महिलाओं को अभिनव चिवड़ा बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विष्णु जी की रसोई में प्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर ने खास पद्धति से चिवड़ा बनाया। विश्व खाद्य दिवस के मौके पर इस अनूठे उपक्रम का आयोजन किया गया। 6000 किलो की कढ़ाई में बनाया गया चिवड़ा वाकई विश्व रिकॉर्ड साबित हुआ। तड़के से ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। इसके लिए 600 किलो पोहा, 400 किलो तेल, 100 किलो मूंगफली, 100 किलो काजू, 50 किलो किशमिश, 250 किलो मसाले का इस्तेमाल किया गया। 600 किलो की कढ़ाई की क्षमता के अनुसार चिवड़ा बनाया गया। उपस्थितों ने इसका लुत्फ उठाया। विष्णु मनोहर ने कहा कि यह चिवड़ा सामाजिक संस्थाओं व गरीब परिवारों में होगा। इस उपक्रम के दौरान कांचनताई गडकरी, एसीपी अशोक बागुल, पूर्व महापौर संदीप जोशी, आशुतोष शेवालकर, राजे मोधूजी भोसले, विधायक विकास कुंभारे, डॉक्टर उदय बोधनकर उपस्थित थे। वर्ल्ड फूड डे आहे, त्यानिमित्ताने हा चिवडा बनवलेला आहे आणि दिवाळी पण समोर आहे, दोघींना समोर ठेवून हा चिवडा बनवला आहे। बाबा 6000 किलोचा कढईत मावेल एवढा मोठा हा चिवडा आहे। दोन स्टेप मध्ये बनला, पहिले 1500 किलो बनला, त्यानंतर पुन्हा 2000-2500 किलो दुसरा बनवला आणि विविध संस्थांमार्फत, एन जी ओजमार्फत हा चिवडा जो आहे तो गडचिरोली, धारणी आणि नागपूरच्या आसपासच्या संस्था आहेत, गरजू संस्था, त्यांना वाटला जातो। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ अभिषेक पानसी, बीसीएन न्यूज नागपूर।